दोस्तों आज मैं आप लोगों को तीतर पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तीतर पंछी की पूरी दुनिया में लगभग 40 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पंछी अधिकतर झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। ये पंछी अफ्रीका, यूरोप, एशिया का निवासी है। ये भारत में भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में इस पंछी की काले और भूरे रंग की प्रजाति मिलती है। ये पंछी उड़ने में कम सक्षम होते हैं। ये ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। आमतौर पर ये जमीन पर ही रहते हैं। इसकी उड़ान भी छोटी और कम समय की होती है। ये पंछी अकेले में रहना पसंद करते हैं। इस पंछी का निवास स्थान घनी झाड़ियां और घास के हरे मैदान होते हैं। ये रेगिस्तानी और सूखे इलाकों में नहीं रहते हैं। तीतर अपना घोंसला जमीन पर ही बनाती है। ये घोंसला घास से बना होता है या पेड़ की शाखाओं पर घोंसला नहीं बनाता है। इसका मुख्य कारण कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन पर इनको खाने को मिल जाते हैं। तीतर का शरीर गोल आकार का होता है। इसका सिर और इसकी पूंछ छोटी होती है। इसके पैरों के पंजे बहुत नुकीले और तेज होते हैं। तीतर अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। ये रंग बिरंगे और काले भी होते हैं। ये सफेद रंग में भी मिल जाते हैं। तीतर के पंख छोटे और उन पर भूरे रंग की धारियां होती हैं। पंखों के नीचे का रंग सफेद होता है। तीतर को इसके रंग की वजह से घास के मैदानों में देख पाना काफी मुश्किल होता है। तीतर की आवाज को दूर से भी सुना जा सकता है। वैसे तो नर और मादा तीतर दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नर के शरीर का रंग मादा से अधिक चमकीला होता है। मादा तीतर 5 से 8 अंडे देती है। इनके अंडों का रंग लाल या पीला होता है। नर और मादा दोनों ही अंडों को सेने का काम करते हैं। तीतर का बच्चा जन्म के 15 दिनों के भीतर ही उड़ने लग जाता है। माता पिता इन बच्चों को मैदानों में ले जाते हैं जहां बच्चे कीड़ों को खाना सीखते हैं। एक बड़ा तीतर का औसत आकार 30 सेंटीमीटर का होता है। इनका औसत वजन 300 ग्राम का होता है। मादा नर से आकार और वजन में थोड़े कम होते हैं। इनका मुख्य भोजन झाड़ियों पर लगने वाली बेरी होती है। इसके अलावा अनाज फल भी ये खाते हैं। ये दीमक और चींटियों को भी खा जाते हैं। तीतर खेतों में फसलों को कीट पतंगों से बचाते हैं। ये कीड़े मकोड़े को खाकर किसान की सहायता करते हैं। तीतर का औसतन जीवन काल लगभग 8 वर्ष का होता है। आजकल ये पंछी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ये पंछी विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त होने का मुख्य कारण इसका अत्यधिक शिकार होना है। खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के कारण ये पंछी मर जाते हैं। हमें इस पंछी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने आपको तीतर पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो इसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।